हे गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको हम लोगों का फ्लैट है वो दिखाता हूँ, और इसके अलावा पुणे के अंदर में अगर आप लोग आते हो जॉब करने के लिए तो आपका एक महीने का खर्चा कितना पड़ेगा, इसमें मैं रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब मैं आपको बताऊंगा अप्रोक्सीमेटली कितना आपको पड़ेगा। हम लोगों ने जो फ्लैट लिया वो 3 BHK फ्लैट है, तो सबसे पहले मैं आपको फ्लैट दिखा देता हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या है, कितने रूम्स हैं, कितना स्पेस है और कौन कौन सी इसके अंदर में आपको इनबिल्ट चीज़ें दी जाती हैं। सो चलिए मैं आपको पहले आपको वो दिखाता हूँ। सो गाइस, ये हम लोगों का हॉल का एरिया है, ये मेन एंट्रेंस है। इसके बाद में इसके जैसे ही सामने आप जाते हो तो सामने में ये किचन मिलता है, काफ़ी सफिशियंट स्पेस है, और इसके अंदर में फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। आरओ हो गया, आरओ का हम लोग को रिचार्ज कराना पड़ता है, इसका रिचार्ज 500-600 का अप्रोक्सीमेटली होता है। और ये सारे जो चीज़ें हैं, बर्तन हो गया है, ग्रोसरी के आइटम्स, ये आप लोगों को खुद को खरीदने पड़ते हैं, इनका भी मैं आपको खर्चा बताऊंगा कि कितना खर्चा अप्रोक्सीमेटली आता है। उसके बाद में आपको रूम दिखा देता हूँ, मेरा रूम कौन सा है। यहाँ पे ये गैलरी है, सामने में एक रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है, और ये फिर एक रूम है, तो ये दोनों जो रूम है इन दोनों का स्पेस सेम है। यहाँ पे लेट बाथ बने हुए हैं, सो ये रूम आप देख सकते हैं। मेरा रूम दिखाता हूँ, ये मेरा रूम है, सिंगल मैं रहता हूँ, टोटल 4 लोग हम इसमें रहते हैं। सो एक रूम में 2 रहते हैं और दूसरे वाले में 1 रहता है और उसमें मैं रहता हूँ, तो टोटल 4 लोग रहते हैं। ये छोटा सा रूम है बट सिंगल रूम के हिसाब से ठीक है, चेयर है, एक टेबल है, और ये अटैच लेट बाथ है, सो इस रूम के अंदर ही अटैच है सब कुछ। अब मैं आपको इसके खर्चे बताता हूँ कि पुणे के अंदर में अगर आप आते हो तो आपको कितना चार्ज इसमें लगेगा। सबसे पहले तो हम लोग रेंट की बात करते हैं, कितना खर्चा आपको स्टार्टिंग में आएगा। तो सबसे पहले आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, मोस्टली केसेस में यही होता है। स्टार्टिंग में आप आओगे तो ढूंढने में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो जो ब्रोकरेज चार्ज होगा आपकी जो महीने की जो रेंट होगी उसके बराबर होगा। सिक्योरिटी मनी भी कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं, 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार तक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, तो ये आपके ढूंढने पर डिपेंड करता है कि आप अगर ज़्यादा टाइम ढूंढ सकते हो, ज़्यादा मेहनत कर सकते हो तो सिक्योरिटी मनी कम में भी आपका काम चल जाएगा। तो इन दोनों के अलावा हम लोग अब बात करेंगे रेंट की। 3 BHK हम लोग का जो फ्लैट है ये 24,000 का है, इसमें हम लोग 4 लोग रहते हैं, तो 6,000 हम लोग का पड़ता है पर पर्सन, तो ये हमारा रहने का हो गया। ये पिंपरी चिंचवाड़ एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिलता है कंपेयर टू मेन सिटी। मेन सिटी में अगर आप जाओगे जैसे शिवाजी नगर में जाओगे तो वहाँ पे जो फ्लैट की कॉस्ट है वो 3 BHK की 30,000 तक चली जाती है, यहाँ पे 24,000 है, और यहाँ पे 2 BHK की जो कॉस्ट है वो 18,000 है, और 1 BHK 12,000 में आपको मिल जाएगा अच्छे से अगर आप ढूंढते हो। 1 BHK जो फ्लैट है उसमें 2 लोग भी रह सकते हैं वैसे, तो जैसे 3 BHK में हम 4 लोग रहते हैं, 2 BHK में 3 लोग भी रह सकते हैं, तो आप अगर खर्चा कम करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन आप इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग ग्रोसरी पे आते हैं। देखिए, ग्रोसरी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि डिनर आप बाहर से ऑनलाइन नहीं मंगा सकते ज़्यादा टाइम के लिए, तो सो कुक करना ही पड़ता है। मैं भी सजेस्ट करूँगा कि कुक अच्छा रहता है, आपको भी कुक करना चाहिए डिनर के लिए। लंच आपका हो गया वो आप कंपनी में कर सकते हैं, कंपनी में हर कंपनी में फैसिलिटी होती है लंच की, बहुत कम चार्ज लेते हैं। मेरे में हम 1,000 रुपीज़ महीने के लंच के और ब्रेकफास्ट के चार्ज करते हैं, डिनर का चार्ज मैं आपको बताता हूँ। तो आपको एक कुक करना पड़ेगा, कुक 4,000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग का कुक का जो चार्ज है महीने का 4,000 लेता है, तो पर पर्सन 1,000 इसमें पड़ जाता है। ग्रोसरी का जो महीने का खर्चा वो हम लोग का 4,000 आता है, तो इसमें भी 1,000 पड़ जाता है। सो 6,000 रहने का, 1,000 कुक का, 1,000 ग्रोसरी का, टोटल 8,000 आपका रहने का और खाने का हो जाता है। उसके अलावा कुछ थोड़े मोटे खर्चे हो गए, जैसे कि आरओ का हो गया, आरओ का रिचार्ज पर पर्सन 150 हो गया, वॉशिंग मशीन का कुछ, लाइट का बिल हो गया, तो ये मिला के 1,000 और ऐड कर लीजिए, तो टोटल 9,000 में रहना और खाना आपका हो जाता है पिंपरी के अंदर में। अगर आप मेन सिटी में जाते हो तो 3,000 और ऐड कर सकते हो, आपका 12,000 में हो जाएगा, और आप बेंगलोर के अंदर में जाओगे तो बेंगलोर में आप 5,000 और ऐड कर सकते हैं, तो टोटल 17,000 आपका रहने का, खाने का, सब कुछ इसमें महीने भर का काम चल जाता है। सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लोकेशन टू लोकेशन। आप और लोकेशन में जाते हैं और आप बहुत और अच्छा हाई फाई फ्लैट चाहते हैं तो कितने का ही रह सकते हैं, ऐसे तो कोई नहीं, मैं आपको एवरेज करके बताया हूँ कि एवरेज इतना में आप रह सकते हो, अच्छे से एक महीने में सर्वाइव कर सकते हो। बाकी पर्सनल एक्सपेंसेस अलग हैं, वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, तो और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी चीप है, काफ़ी सस्ती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है ऑटो रेंट शेयरिंग ऑटो मिल जाते हैं तो 10-20 रुपये में आप कहीं भी जा सकते हो, तो 500 आप ट्रांसपोर्टेशन का भी ऐड इसमें कर सकते हो। सो ये है, और काफ़ी अच्छा, मतलब नए नए फ्लैट्स ही बने हुए हैं। थोड़ा आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम ये होगी कि ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ब्रोकरेज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप अच्छे से गाइड कर देगा, ब्रोकरेज मनी आपको देनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच, आप सभी इस वीडियो को देखेंगे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।